हेलो फ्रेंड्स, आपका एंजल क्रोशेट में स्वागत है। आज हम ऑरेंज कलर की ऊन से और 6 नंबर से क्रोशिया हुक से एक क्रोशिया डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम नोट लगाएंगे। और 6 चैन बनाएंगे। 10 चैन बनाएंगे। 7 8 9 10 10 चैन बनाई। अब जो ये फर्स्ट वाली चैन है इसमें क्रोशिया हुक लगाएंगे, धागा निकालेंगे, फर्स्ट वाले धागे को सेकंड वाले धागे से पास कर देंगे। तो ये हमारा हो गया स्लिप स्टिच। और स्लिप स्टिच करने के बाद में हम 1 चैन लेंगे, ऐसे 1 चैन लेंगे और 24 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस राउंड के ऊपर। और जो ये एक्स्ट्रा धागा है इसे हम साथ में ले लेंगे, 1 2 ऐसे। और ये एक्स्ट्रा जो थ्रेड है 3 4 ऐसे। ये 24 सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिए। अब जो ये फर्स्ट वाली चेन है इसमें क्रोशिया हुक डालेंगे, ऐसे धागा निकालेंगे और एक स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद में यहाँ पर हम 1 2 3 चैन लेंगे, ऐसे 3 चैन लेने के बाद में हम 2 चैन एक्स्ट्रा और लेंगे, 1 2 3 हमारे पास हो गए टोटल 5 चैन। तो अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चैन स्किप करेंगे और सेकंड चैन के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट में हम 2 चैन लेंगे, 1 2 फिर 1 चैन स्किप करेंगे, सेकंड चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2 और 1 चैन स्किप, सेकंड के अंदर क्रोशिया हुक लगाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 चैन लेंगे, 1 चैन स्किप, थर्ड सेकंड चैन में क्रोशिया हुक डालेंगे और फिर से 1 2 चैन। तो ऐसे हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लिया। अब जो शुरू में हमने 5 की जो चैन बनाई थी उसकी थर्ड चैन के अंदर 1 2 3 ये जो थर्ड चैन है इसमें क्रोशिया हुक डालेंगे और एक स्लिप स्टिच कर देंगे। 5 चैन के अंदर हम काउंट कर लेंगे थर्ड चैन और थर्ड चैन में ही हमें स्लिप स्टिच करना है। और स्लिप स्टिच करने के बाद में हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 4 चैन लेंगे। और अब ये नेक्स्ट जो होल है इसके अंदर हम 3 बार ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके लिए 2 बार टगल पिटेंगे, क्रोशिया हुक डालेंगे, पहले 2 धागे निकालेंगे, फिर 2 धागे निकालेंगे और जो ये लास्ट में जो 1 धागा बच जाएगा इसे हम नहीं निकालेंगे, क्रोशिया हुक में ही रखेंगे, सीधा डायरेक्ट दूसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार धागा लपेटा, 2 धागे निकालें, फिर 2 धागे निकालें और फिर 1 धागा इसका भी रख लेंगे। फिर नेक्स्ट 2 धागे निकालें, 2 धागे निकालें और एक धागा इसका भी रख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी ट्रिपल क्रोशिया का 1 धागा हमारे पास है। अब लास्ट में इन सभी को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। और फिर 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 5 चैन लेंगे और फिर 2 बार धागा लपेटेंगे क्रोशिया ऊपर और नेक्स्ट होल के अंदर 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 धागे निकालें, 2 धागे निकालें और 1 धागा फिर से रख लेंगे। फिर से ट्रिपल क्रोशिया यानी कि 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। शुरू में हमने 3 बनाए थे क्योंकि जो हमने 4 की चैन बनाई थी वो एक ट्रिपल क्रोशिया के लिए गिनेंगे। 2 बार धागा लपेटा, 2 धागे निकाले, 2 धागे निकाले, फिर से 1 धागा रख लिया, फिर 2 बार धागा लपेटा, 2 धागे निकाले, 2 धागे निकाले और फिर से 1 धागा रख लिया। फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे, 2 धागे निकालेंगे, 2 धागे निकालेंगे और फिर से 1 धागा रख लेंगे और लास्ट में सभी थ्रेड को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। और फिर से 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 तो ऐसे हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लास्ट तक बना लिया और अब यहाँ लास्ट में हमने जो चैन बनाई थी इसके ऊपर हम यहाँ पर क्रोशिया हुक डालेंगे। धागा देखिए फ्रेंड्स, दोबारा से बिल्कुल इसके ऊपर और धागा निकालेंगे और फर्स्ट वाले धागे को सेकंड धागे से पास कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा स्लिप स्टिच। और स्लिप स्टिच करने के बाद में 1 चैन लेंगे और थोड़ा सा धागा रखेंगे, बाकी का एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे ऐसे और बैक साइड में इस थ्रेड को पास कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्रोशेट डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू।